हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? परम नाम, आज मेरा नया दिन है। आज मेरी मम्मी समोसा बनाएगी और हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि मम्मी तो पहले से बनाना आता ही है और हम भी लोग खाएंगे, आप भी खाएंगे। हेलो दोस्तों, हमको समोसा बनाने के लिए उबले हुए आलू चाहिए। हमने उबले हुए आलू रखे हैं, आलू मैश करके रख दिए हैं। इसमें हरी मिर्ची प्याज काट दिया है। तो दोस्तों, अब इसमें हम मसाले ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो अब हम अच्छे से इसको मसाला मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों देखो, अच्छे से मिक्स करने से मसाले टेस्ट भी अच्छा आते हैं समोसे में। इसमें अब डालेंगे हम धनिया, धनिया डाल दिया है। धनिया डाल के थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम लाएंगे मैदा, एक कप डालेंगे मैदा। मैदा ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे आटा। तो दोस्तों आटा भी डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम अजवाइन, घर में बना रहे तो अजवाइन डालना चाहिए, तो डाल रखा है दोस्तों। और इसमें डाला है थोड़ा घी। अब मसाला वसाला रेडी कर दिया है, इसमें मैगी मसाला भी ऐड किया है। मैगी मसाला डालने से अच्छा टेस्ट आता है। तो दोस्तों हमने तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया है, और हमारा क्या कहते हैं, हमने लोई बना दी है मैदे की। लोई हम ना मोटा ना पतला बनाएंगे, बीच से एक कैट लगा देंगे। और इसको अब हम देंगे समोसा का सेप थोड़ा पानी लगा के। तो दोस्तों अब बनेंगे हम इसमें मसाला, मसाला ऐड कर देंगे। देखो दोस्तों, मसाला ऐड कर दिया है, बन गए हैं हमारे समोसा। और समोसा बन के तेल रखा है, तेल बन गया है, समोसा भी बन गया है। समोसा ज़्यादा ड्राई होने के लिए रखे हैं। तो दोस्तों आप भी बनाओ, सर्दी के मौसम है। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है, अब समोसे बनने शुरू हो गए हैं। समोसे को धीमी आंच में बनाएंगे, क्योंकि समोसे अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो जल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे समोसे बन गए हैं गर्मा गर्म। देखो दोस्तों बन गए हैं समोसे। अब बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए हमने ले लिया है, चटनी भी बन चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो अगले ब्लॉग के संग बने रहें। बाय बाय।